गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक चिल्ड्रन। आज हम तीसरी कविता पढ़ेंगे जो बताता है समय का कीमत। तो बच्चों, पहले कैसा था कि मुर्गे की आवाज से सब उठ जाते थे, काम करते थे, ऐसा चलता था। मगर इन दिनों सभी को अलार्म की जरूरत पड़ती है, तो सभी लोग अलार्म लगाकर अलार्म बजते ही उठेंगे और अपना काम पे लग जाते हैं। किसी किसी को अलार्म बजने के बाद भी बंद करने की आदत होती है, ये सब गलत है। तो समय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। समय ऐसी चीज है बच्चों कि एक बार जो हाथ से निकल पड़े तो फिर वापस नहीं आता। तो समय बहुत मौल्यवान चीज है जिसे हम निजी जीवन में उसकी कीमत और उसकी सम्मान करना चाहिए। तो इस पर आधारित हम आज कविता पढ़ेंगे। कविता है ठीक समय, कविता जो है तीसरी कविता ठीक समय। तो बच्चों, क्या क्या कैसे कैसे करना है हम ये सीखेंगे। कवि कहते हैं ठीक समय पर नित उठ जाओ। ठीक समय पर नित उठना, नित यानी नित्य, रोज। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ। हमारा निजी जीवन में बहुत काम होते हैं, शुरुआत सुबह सुबह करनी चाहिए। तो ठीक समय पर नित रोज हम समय पर एक समय हमारा रखकर उस समय पे उठना चाहिए और उसी से ठीक समय पर चलो नहाओ। नहाने के लिए भी हमारा एक हर काम को टाइम रखना चाहिए, तो नहाओ। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। तो बच्चों, हम अगर समय पर काम करने लगे तो हमारे जैसी सुखी कोई नहीं होता इस दुनिया में। तो कविता कहती है ठीक समय पर उठो, समय पर नहाओ और समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। हम हर चीज ठीक समय पर करने से हमारा रोज का खाना जो है तो हमारे ठहराव के जैसा ठीक समय पर करने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और ठीक समय पर पढ़ने जाओ, पढ़ने के लिए भी हर काम हम जो जीवन में करते हैं, हर काम को समय की पाबंदी रखे तो हर काम में हम जीत जाते हैं। और कविता कहती है ठीक समय पर मौज उड़ाओ। हम आज खेलना कूदना हर चीज जरूरी है, और ठीक समय पर मौज उड़ाओ और ठीक समय पर गाना गाओ। आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि सुबह उठे जब से नहाना, खाना खाना, पढ़ना, इसी के साथ साथ हमारे लिए कुछ मनोरंजन की भी जरूरत होती है। तो कह रही है कविता में ठीक समय पर मौज भी उड़ाओ और ठीक समय पर गाना भी गाया करो, और ठीक समय पर सब कर पाओ। अगर ये जो कहे है उठने से लेकर खाना पीना, पढ़ना और मौज उड़ाना, गाना, अगर आप ये सभी काम ठीक समय पर कर पाओ, आप कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। तुम बहुत बड़े हर चीज समय पर कर पाओ तो आप बहुत बड़े कहलाएंगे। तो इस तरह से बेटा, आप बच्चों ये सब इसमें दिए वाले एक एक काम ठीक समय पर करने से आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, सेहत भी अच्छा होता है, खेल कूद में भी सब कुछ आप आगे रहते हैं, पढ़ाई में तो सबसे पहले रहेंगे। और आप इस कविता से समझने की बात है कि समय की महत्व समझना चाहिए और सब काम समय पर करने से जिंदगी में हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और हम दूसरों के लिए उदाहरण भी बन सकते हैं। जैसे समय का महत्व जानकर सभी को भी आप समझा सकते हैं। इस तरह मैं एक बार और दोहराऊंगी कविता, आपको भी इसी तरह पढ़ना है। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक
समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। तो बच्चों आपको समझ में आया है, समय जिंदगी का बहुत मूल्यवान होता है। उस समय का हम हमेशा ध्यान में रखकर समय के साथ चलना सीखना, तभी हम सभी बातों में आगे रह सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है आज बच्चों कि इस कविता को, जो भी कविता पढ़ाया गया है, हर लाइन को आप गाकर सीखना है, हर अक्षर को पढ़ना सीखो और गाना के द्वारा सीखे तो आपको जल्दी आ जाएगा। और इस कविता पढ़ने के बाद, पाठ करने के बाद उसे दो बार अपने होमवर्क बुक में लिखो। थैंक यू चिल्ड्रन।